कोरोना संक्रमण ने इंदौर में एक बार फिर दस्तक दे दी है। पिछले 3 दिनों की बात करें तो 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज इंदौर में मिले हैं, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग CMHO डॉक्टर BS सेतिया ने दी है। हालांकि सभी मरीज गंभीर नहीं है और होम आइसोलेट में ही इन्हें रखा गया है। पिछली 2 लहर में कोरोना हॉटस्पॉट बने इंदौर में एक बार फिर कोरोना की वापसी हो गई है। इंदौर में पिछले 3 दिनों के अंदर 8 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। वहीं कोरोना को लेकर CMHO डॉक्टर BS सेतिया ने बताया कि सर्दी खांसी होने के चलते इन लोगों ने प्राइवेट लैब में कोरोना जांच कराई थी, जिसमें इन्हें कोरोना की पुष्टि हुई है। लेकिन राहत की बात है कि सभी में बहुत मामूली लक्षण हैं और वह घर पर ही आइसोलेट हैं। अभी हमारे पास परसों के जिसमें था कि 6 पेशेंट हमारे कोविड पॉजिटिव, जिनको सर्दी खांसी वगैरह था, उसमें से 2 बच्चे भी हैं, एक 8 साल का, एक 10 साल के बच्चे हैं, जिनको वैक्सीन नहीं लगवाया। कि दूसरे जो 6 हैं उन लोगों को हल्के से सर्दी बुखार वगैरह था हल्का सा, तो डॉक्टर ने उनको एडवाइस किया था कि आप लोग अपना कोविड का टेस्ट भी करा लो, तो वो उसमें पॉजिटिव आ गए। तो अभी हमारे पास एक्टिव केसेस जो 6 है और एक एक केस पहले के थे पॉजिटिव, तो इस तरह से 8 केसेस हमारे पॉजिटिव है। सर, क्या प्राइवेट लैब में इन्होंने क्या जांच करी थी? प्राइवेट लैब के पूरे जाँच है इनके, और जाँच कराने के बाद ही इनको माइल्ड सिम्टम है और सभी होम आइसोलेशन में। सर, फिलहाल की स्थिति में भी देखें तो एक बार फिर जो ठंड का जो मौसम चले गया है, उसके बाद एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दी है, तो क्या लगता है सर? नहीं, ये सीजन रहता है सर्दी बुखार का, खांसी का, तो थोड़ा हल्का सा तो वायरस रहेगा ही रहेगा, तो कहीं भी ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं कोविड के एकाध केस करेंगे, क्योंकि प्रिकॉशन तो रखना पड़ेगा। फिर टेस्टिंग की बात करें तो फिलहाल टेस्टिंग की अभी तो जो टेस्टिंग हो रही है, जिनको सिम्टोमेटिक आ रहे हैं, वो उन्हीं की टेस्ट हो रही है। इसमें कोई 8 मरीज में कोई गंभीर या कोई ऐसा लक्षण? कोई भी ऐसे गंभीर लक्षण नहीं, और सभी आइसोलेट घर पर ही है, और किसी को माइल्ड सिम्टम है, सर्दी खांसी बुखार वगैरह हल्का सा है, तो वही लोग हैं, कोई ऐसा गंभीर लक्षण नहीं है। स्वास्थ्य विभाग ने मौसम में आ रहे बदलाव को लेकर आम जनता से सावधानी बरतने और सर्दी खांसी होने पर तत्काल उपचार कराने के साथ ही डॉक्टरों से सलाह लेने की अपील की है, ताकि फिर से कोरोना की रफ्तार को बढ़ने से रोका जा सके। इंदौर से नीरज बौरासी की रिपोर्ट।